21 दिन बालों में इसे लगाया, बालों की लंबाई को दोगुना किया, हल्के पतले झड़ रहे बाल पूरी तरह से रुक गए। नमस्कार, बालों को दोगुनी तेजी से बढ़ाएगा ये उपाय। दोस्तों, अगर आपके बाल बहुत छोटे हैं, आप अपने बालों की लंबाई बढ़ाना चाहते हैं लेकिन बाल लंबे होने की बजाय झड़ते हैं, टूटते हैं, तो ये उपाय आपके बालों की पूरी केयर करेगा, जिससे आपके बालों की लंबाई दोगुनी तेजी से बढ़ेगी। और इस उपाय में हमें केवल 3 ही चीजों का इस्तेमाल करना है। और पहली चीज आपको लेनी है वो है ये चावल, जिसे राइस कहते हैं। हमारे बालों का लगातार टूटते रहना, उनके लंबे ना हो पाने का मुख्य कारण है दोस्तों हमारे हेयर सेल। हमारे हेयर सेल जितने बेहतर होते हैं, हमारे बालों की लंबाई भी बढ़ती है और बाल स्मूथ बनते हैं और बाल दिखने में भी अच्छे लगते हैं। और दोस्तों, बड़े से बड़े डर्मेटोलॉजिस्ट का ये मानना है कि चावल में हर वो विटामिंस और मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारे हेयर सेल बेहतर करने और बालों की लंबाई बढ़ाने के लिए बहुत फायदेमंद है। आपको यहाँ पर इस तरह से एक कटोरी में चावल लेने हैं और इसी के साथ मैं यहाँ पर एक खाली प्लास्टिक का जार लूंगा। इस प्लास्टिक के जार में दोस्तों हम यहाँ पर 3 चम्मच के बराबर चावल डालेंगे और 3 चम्मच के ऊपर 1 कप पानी इसमें मिलाएंगे। आप दोस्तों ध्यान रखिए कि 3 चम्मच चावल डालने के साथ आपको 1 कप पानी मिलाना है और इसे डालने के बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे और इसे इसी जार में कम से कम 1 घंटे तक पड़े रहने देंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों हमें यहाँ पर एक लेना है अनियन। मैंने एक मीडियम साइज का प्याज लिया है। अनियन दोस्तों आपको कौन सा लेना है, आपको यहाँ पर लाल प्याज का इस्तेमाल करना है। मार्केट में 2 से 3 तरह के प्याज आते हैं लेकिन हम यहाँ पर लाल प्याज लेंगे और इसका छिलका उतार कर इसे कुछ इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में काटेंगे। बालों की लंबाई जाने का दोस्तों सबसे बड़ा कारण है बालों में इंफेक्शन फैलना, जैसे बालों की जड़ें कमजोर होती है और लंबाई बढ़ना भी रुक जाती है। लेकिन अनियन दोस्तों इसके लिए बहुत अच्छा है। अक्सर दोस्तों हम क्या करते हैं कि मार्केट से तरह तरह के तेल लेकर आ जाते हैं जो शुरू में अच्छे लगते हैं लेकिन कुछ समय के बाद उसका बालों पर बहुत नुकसान पहुंचता है, जिससे बाल झड़ने टूटने लगते हैं। लेकिन ये उपाय नेचुरल भी है और आपके बालों की पूरी केयर करेगा, जिससे बालों की लंबाई दोगुनी तेजी से बढ़ेगी। इसी के साथ साथ दोस्तों आखिरी चीज हमें लेनी है वो है ये करी पत्ता। करी पत्ता दोस्तों हमने यहाँ पर बिल्कुल ताजा करी पत्ता लिया है। इंग्लिश में हम इसे करी लीव्स कहते हैं। अगर आपको ताजा करी पत्ता मिल जाए तो ठीक, नहीं तो आप किसी भी लोकल करियाना स्टोर या पंसारी की दुकान से करी पत्ता ले आइए और इसके आपको केवल 10 पत्ते लेने हैं। कई जगह पर दोस्तों करी पत्ता को मीठी नीम भी कहा जाता है। इसी के साथ साथ हमने जो चावल का पानी तैयार किया था, आप देखिए दोस्तों अच्छे से हमारा राइस वाटर तैयार हो गया है। आपको क्या करना है कि इसे छान कर एक खाली पैन में इसे निकाल लेना है। आप इस तरह से एक पैन में इसे डालिए और इस राइस वाटर में हम दोस्तों यहाँ पर कटा हुआ अनियन और साथ में ये करी पत्ता भी इसमें मिला देंगे। इसे डालने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पर इसे धीमी आंच पर गर्म करना है। आप इसे लो फ्लेम पर बिल्कुल धीमी आंच पर गर्म करें और 10 मिनट के बाद जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा तब आपको दोस्तों यहाँ पर इसमें 1/2 चम्मच के बराबर इस तरह से चाय पत्ती डाल देनी है। चाय पत्ती दोस्तों उन लोगों को डालनी है जिनके बाल बहुत रूखे हैं, उनमें शाइन नहीं है। आप 1/2 चम्मच चाय पत्ती डालिए और उसके बाद इसे 2 मिनट तक और गर्म होने दें और फिर गैस बंद कर लीजिए और इसे ठंडा कर लीजिए। ये देखिए दोस्तों हमने इसे अच्छे से ठंडा कर लिया है, ये पूरी तरह से हमारा तैयार है। और इसे स्टोर करने के लिए हम यहाँ पर इस तरह से कांच का कंटेनर लेंगे। आपके घर में दोस्तों अगर कोई सा भी कांच का खाली कंटेनर है वो लीजिए, उसे साफ करके उसमें इसे स्टोर कर लीजिए, जिससे ये लंबे समय तक चलेगा और आपको बार बार बनाना भी नहीं पड़ेगा। इसे आपको बालों पर कैसे लगाना है आइए देख लेते हैं। इस उपाय का इस्तेमाल दोस्तों आपको अपने बालों पर उनकी लेंथ के हिसाब से करना है। आप यहाँ पर इस उपाय को लीजिए और इसे डालने से पहले आप इसे शेक कर लें और उसके बाद आपकी जितनी बालों की लंबाई है उस हिसाब से इसे एक बाउल में डाल लीजिए। मैं यहाँ पर 2 से 3 चम्मच इसे लूंगा और इसे डालने के बाद आपको इसे अपने बालों पर लगाना है। बालों पर लगाने के लिए आप चाहें तो किसी स्प्रे से इसे अपने बालों पर लगा सकते हैं या फिर चम्मच से इसे अपने बालों की जड़ों में डालिए और डालने के बाद इसे हल्के हाथों से बालों को मसाज दे, जिससे दोस्तों आपके बालों की जड़ों में ऑब्जर्व होगा और आपको जल्दी असर दिखाएगा। और उसके बाद 1/2 घंटे तक इसे बालों में लगा रहने दें और उसके बाद शैम्पू करके अपने बालों को धो लीजिए। 1 दिन छोड़ के आपको हर 2 दिन इसे अपने बालों पर लगाना है और हफ्ते में 3 बार से ज्यादा इसे अपने बालों पर नहीं लगाना। 21 दिन तक इसके इस्तेमाल से आप दोस्तों देखेंगे आपके बालों की लंबाई फिर से बढ़ने लगेगी, रुके हुए बालों की ग्रोथ बढ़ेगी और पतले बाल मोटे होंगे, जिससे वो टूटना झड़ना बंद हो जाएंगे और बालों में एक नई शाइन आएगी। आज की जानकारी बस यहीं तक थी। पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों में भी शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।